यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और वेलकम टू कैन प्रो यूनिवर्स। और आज हम एक रिडल्स का देखने करने वाले हैं, एक टेस्ट देखते हैं मेरा दिमाग कितना तेज है। और अगर आपको मेरे गेमिंग के वीडियोस देखने तो जाइए प्रो गेमर कैन में और एंजॉय कीजिए गेमिंग के की वीडियोस। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। संजना एक बैंक के सामने से जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर बैग को लेके बैंक के अंदर चला गया। गिरने की वजह से संजना चोर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने चोर को बैंक में जाते हुए देख लिया था। वो भी तुरंत बैंक के अंदर गई और चोर को ढूंढने लगी। उसे उसका बैग दो औरतों के बीच में दिखा। इन दोनों में से कौन हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक सेकंड मुझे टाइम दो। तो ये औरत भी हो सकती है, नहीं ये ए और बी दिया है। तो ए और बी में पहले यहाँ कोई बैग नहीं है। अगर यहाँ कोई भी अगर बैग रहेगा एक है यहाँ, तो चोर वो होगी। और इसका हाथ तो एकदम देखो प्लास्टर से लगा है, तो आई थिंक ये बी हो सकती है। बी होगा पक्का, बी होगा। आई एम सो स्मार्ट, बी होगा पक्का, बी होगा। बी नहीं हुआ भाई, नाम बदल देना मेरा, किसी और का बदलना नाम, मेरा मत बदलना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेरा मत बदलना, भाई बहन का बदल रहे हो। तो हैंडबैग उसके राइट में होना चाहिए था। यस, उसके लेफ्ट हैंड में यस सर है। यस, चोरी बी ने की है। ऑब्वियसली मैन, ऑब्वियसली। या उसके तरह उसके ब्लैक, उसके ऐसे ब्लैक बेल्ट थे। दूसरा रिजल्ट है ये। देखो आई एम सो प्रो। अगली पहेली देखते हैं। यस यस। अंकिता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। ओके। कुछ देर बाद वो भागते हुए पुलिस के पास जाती है। उसने पुलिस से कहा कि मेरा बैग चोरी हो गया है, मैं उस आदमी को अच्छे से देख नहीं पाई, मैं वॉशरूम में हाथ धो रही थी, तभी किसी ने पीछे से जोर से मुझे मारा और बैग लेके भाग गया। अंकिता पुलिस को उसके साथ वॉशरूम में लेके जाती है। वहां पहुंचते से पुलिस समझ जाती है कि अंकिता झूठ बोल रही है। कैसे पुलिस को कैसे समझता है कि अंकिता झूठ बोल रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो एक सेकंड, हमको ये जानना है कि पुलिस का झूठ कैसे बोल रही है अंकिता। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है, पीछे देखो पीछे से मार भी रही अपने आप को। भाई ये क्या, पीछे से अपने आप को मार रही है, पुलिस लग रहा है कि झूठ है बराबर। ये सही हो सकता है, दिस कैन हैपन। नहीं हुआ ना सही कि मेरा नाम बदल लेना, नहीं किसी और का। टाइमर देखो, टाइमर मुझे किसी और का बदल लेना, मुझे मेरा मत बदलना प्लीज। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, वॉश बेसिन के ऊपर एक बड़ा मिरर लगा हुआ है। बड़ा। किसी ने पीछे से उसे मारा तो मिरर में अंकिता को चोर का चेहरा दिख जाता था। हाँ बराबर, मतलब वो झूठ बोल रही है। एक सेकंड, क्या मुझे लगा मारने का लगा मुझे, क्या है? इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक सेकंड, तो ये एक पिन है, एक पिन है जो बलून से फट रहा है। बलून पिन कौन यार, ये क्या हो सकता है? बलून पिन कौन, बी कौन यार, कुछ तो आया इधर है। बीन्स हो सकता है। हाँ बीन हो सकता है, बीन्स की सब्जी। बीकॉन नहीं, बीन्स की सब्जी। हाँ बीन्स बीकॉन। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीकॉम बीन्स हो गया आंसर पक्का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है पॉप और दूसरा है कॉर्न, तो इससे बन जाएगा पॉप। एक सेकंड, ये पॉपुलर आधा थोड़ा स्पेस बाकी है, लेकिन नहीं वियर्ड के लिए हम कुछ भी कर देंगे। ये हो गया पॉपकॉर्न। जाओ एक का पॉपकॉर्न लाना। हाँ ठीक, कौन लाना पॉपकॉर्न। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कैसे मतलब हाउ? अब इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। वही का आंसर कमेंट कीजिए। एक तो ये छाता है जिसपे बारिश हो रही है, और ये क्या है, ये तो कुछ तो था जो पहनते हैं लोग, क्या है? बारिश क्या होगा, बारिश से क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बारिश फ्रॉग,
छतरी ब्ला क्या होगा इससे, कौन सा शब्द बनता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है रेन और दूसरा है बो, तो इससे बन जाएगा रेनबो। ओ यार मैं भूल गया इसको। अब इन दो पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताए इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो ये एक तो कार है और ये पूल, नहीं नहीं ये तो एक कुत्ता है। तो कार डॉग नहीं हो सकता। कारमैन डॉम इलायची कारमैन डॉम, वो इंग्लिश में बोलते थे इलायची, बराबर ऐसा हो सकता है। दिस कैन हैपन कारमैन डॉम, मैन है ये और ये डॉम है, बस इसका डॉग का है कारमैन डॉम, बराबर कारमैन का। अच्छा देखते भाई सही होगा आंसर भाई, ना मेरा नाम बदल दे रहा भाई, तुम मेरा नाम बदल दो सच में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है कार, दूसरा है पेट, तो इससे बन जाएगा कारपेट। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या एक सेकंड वो मैं तीन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए कौन सा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। यार मैं बुद्धू यार, मेरा नाम मत बदलना उन जिनका। एक सेकंड इसने क्या बोला, इन तीनों से कौन सा शब्द बनता है? तो ये है गर्मी जो है हॉट और हवा, यानी कि हॉट ड्राई और बलून। तो हॉट ड्राई बलून क्या होगा, हेयर ड्रायर। हाँ हेयर ड्रायर हो सकता है, हेयर ड्रायर। नहीं नहीं एक सेकंड भैया, गर्म दिखा रहा है, हेयर ड्रायर थोड़ा ना गर्म होता है। इसका हो सकता है हॉट मेल भी नहीं हो सकता है यार, क्या है इसका हॉट मेल होगा पक्का। नहीं नहीं यार कुछ तो होना चाहिए, इसका क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इससे बनेगा हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून। चलिए अगली पहेली देखो। एक हॉट एयर बलून, वो एयर दिखता है, मुझे लगा वो कोई ब्रीज है, तो हॉट मेरे को पहले भी वही लगा, हॉट ब्रीज बलून है। भाई 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 इसको खत्म कर देंगे आज हम, खत्म कर देंगे। तो बस अभी ऐड आ रहा है और ये हो रहा है, चलो हो जाएगा। करण का एक शेफ कंपटीशन में खून हो जाता है, वो उसकी खुद की डिश खाके ही मर जाता है। किसी ने उसकी डिश में पॉइजन मिला दिया था, पर किसने? अच्छा पिज्जा। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। अच्छा अपना मेहुल दोस्त, मेहुल आजा, तेरा सरनेम क्या है? मेहुल। अच्छा बाकी पार्टिसिपेंट शादी हो गई, कोई बात नहीं। मेहुल कॉम्पिटिशन के ऑर्गेनाइजर राकेश को बुलाता है, वो राकेश से पूछता है कि क्या पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे से बात की। राकेश ने उससे कहा, मैंने संदीप को एक बड़ा फ्राइंग पैन करण से लेते हुए देखा था और फिर वापस देते हुए देखा। रचना ने करण से कुछ देर के लिए नमक लिया था लेकिन फिर वापस कर दिया था। और नेहा करण की डिश बिगाड़ना चाहती थी, उसने करण का एक पॉट भी गिराया था। ये सब सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे, तीनों में से ऐसा क्या है जिससे खून। आंसर बता दिया। देखो ये लड़की इसका डिश खराब करना चाहती है, क्या नेहा या संदीप। नेहा या संदीप हो सकता है, क्योंकि रचना नहीं हो सकता है, तो फिर रचना नहीं हो सकता है, क्योंकि रचना ने मतलब नमक वापस दे दिया। मुझे लगा 3-4 चम्मच नमक डाला रहेगा इंसान। नेहा दिस कुड बी नेहा। इसका आंसर देखते हैं। खूनी रचना है, उसने करण के नमक में साइनाइड मिला दिया था जिससे करण की मृत्यु हुई। तभी मैं समझा, पहले मेरे को वही समझा नमक हो सकता है, लेकिन जब उसने रिटर्न बोला तब यार शी यार। पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस हैं। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यार कैसे क्या 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 क्या, एक सेकंड। तो ये दोनों में ऐसा सब है, क्या हो सकता है यार, क्या फेस्टा जंक्शन यहाँ भी हुआ है भाई। एक सेकंड, एक डिफरेंस मिल गया इसमें। ये दो दिख रहे हैं रेड रेड के दो हैं और इसमें सिर्फ एक है, एक मिल गया डिफरेंस।
और दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? भाई एक सेकंड, ये जो था ये यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर लगा है, ये नीचे लगना चाहिए था। रॉन्ग 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 भाई, दो डिफरेंस मिल गए हैं भाई, एक तो ये और एक इस आदमी का ये। भाई क्या डिफरेंस क्या होगा यार, सोचो सोचो क्या होगा। मिल नहीं रहा यार भाई आंसर। इसका पहला डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छठा, वो वही मैंने छठा और पांचवा ढूंढ लिया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ओके, एक कुत्ता है जो। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अच्छा, कोई पेंसिल से खून करना चाहता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये क्या है, गरम पकोड़े कोई बना रहा है क्या? मेरे को भी बुलाना पार्टी के लिए, पकोड़े के लिए। आपने कौन सा डॉग देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अरे भाई ये था वो, ए भाई क्या यार, ए था ऑब्वियसली वो ए आंसर था। आप बताएं आपने कौन सी पेंसिल देखी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए भाई ए देखी थी हमने, नहीं बी देखी थी, बी सॉरी बी देखी थी हमने, बी देखी थी। आप बताएं आपने कौन सा कलर का बॉक्स देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। पकौड़े कौन से कलर के होते हैं भाई? मैंने ए देखा था, ए तो ग्रीन है, पकोड़े भी ग्रीन होते हैं। ए हो भाई, ए हो सकता है। और इसके सही जवाब है, डॉग का ए है, पेंसिल का बी है और कलर का सी है। सी सही, तो सही बोला भाई, सही। टू आउट ऑफ भाई, भाई हमारा तीन क्वेश्चन सही है भाई, तीन क्वेश्चन सही हो गए हमारे। ध्यान से देखिए, थ्री क्वेश्चन आ रहे हैं। शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए बी सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेरे को लगता है सी हो सकता है। हाँ सी हो सकता है, देखो ना डिफरेंस है। और इस पिक्चर का सही शैडो है डी। डी, चलिए अगली पहेली देखते हैं। हाउ, बट पर हाउ लाइक इट कुल बी। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए इसका डी। सी 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 सी, नहीं नहीं सी सी सी। पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी, और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। पर अब बर भाई, भाई ए और बी का मैंने इसलिए देखा, पी कॉ पी कॉ, ये भी पी कॉ पी कॉक, सी हो सकता है क्योंकि डी हो गया सी। एक मैन जो हो गया सो डी, भाई डी सी हो गया कुछ तो। हर्ष को एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब मिलती है। जॉब के पहले दिन उसे एक बिल्डिंग के 30वें फ्लोर की खिड़की को साफ करना होता है। ओके, हर्ष बहुत ही एक्साइटेड था उसके पहले काम के लिए। क्या काम भाई, पगार कितनी मिल रही है? 500 करोड़ कमाओ फिर बात करो। उसका पैर फिसल गया और वो 30वें फ्लोर से नीचे गिर गया। आत्महत्या, हत्या, और उसने वापस काम करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं हुआ, एक सेकंड। हर्ष ने कोई सेफ्टी हार्नेस भी नहीं पहना हुआ था, फिर वो 30th फ्लोर से गिरने के बाद भी बच कैसा गया? 30th, थर्ड बोला था इनने तो। आंसर कमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि ना उन्हें इसने नीचे पकड़ लिया रहेगा, लगता है उन्हें पकड़ लिया रहेगा। पक्का पकड़ दिया रहेगा, पक्का नीचे पकड़ लिया रहेगा कुछ तो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हर्ष खिड़कियों को बाहर से नहीं अंदर से साफ कर रहा था, इसलिए वो बच गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो obviously इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं तीनों में से किसकी दो बहनें हैं, मतलब टू सिस्टर्स है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई एक सेकंड, एक ही नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को लगता है टाई के हिसाब से हो सकता है ये। देखो ए का ये जो है एक टाई है, बी का भी एक टाई है और ये इसका एक है और ये दो है, तो और इसने देखो दो राखी मांग दी, इसने दो राखी मांग दी दिख रहा है, तो ये हो सकता है। इसने इन लोग इसने तो राखी नहीं बांधी, इसने एक राखी बांधी है, दो राखी बराबर सी हो सकता है, सी हो सकता है। ध्यान से देखिए तीसरे वाले के हाथ में दो राखियां हैं, यही मतलब बराबर इसकी दो बहने हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए पता 5 out of कुछ 5 out of 9 हमारे सही रहे, बस मेरे 4 questions कैसे हुए पता नहीं। बट गाइस
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी बता कमेंट्स में बताना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब मत करना, नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करो। तब तक ले सिया, और देखना मत भूलिए कि एंड प्रो यूनिवर्स रेगुलर वीडियोज आएंगे जल्दी, देखिए मेरा दिमाग। बाय।